तो सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो गाइस आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ बहुत ही हार्ड एडिटिंग, जो कि हमारा बहुत ही डेंजरस एडिटिंग समझ लिया गाइस। तरह का मतलब स्नेक एडिटिंग है। यहाँ पे देखिए सांपों वाला बहुत ही हार्ड हमारा कॉन्सेप्ट है गाइस। यहाँ पे देखिए जैसे कि इस कॉन्सेप्ट में ये है कि सांपों ने मुझे यहाँ पे पकड़ कर रख लिया है। देखना गाइस किस तरह से अच्छे तरीके से यहाँ पे मुझे कैद कर लिया। तो कुछ इस तरह से मैंने फोटो बनाया और कितना ज़्यादा HD क्वालिटी में मैंने फोटो बनाया आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग बिना किसी देरी के सीधे वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं एडिटिंग करना। ठीक है ना, तो चलिए गाइस अब देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो ये रहा मेरा कुछ इस तरह का ओरिजिनल पिक। तो गाइस हम क्या करेंगे कि अपने इस ओरिजिनल पिक को यहाँ से हम शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद हम लोग चलेंगे सीधे इसके लेकर यहाँ पर लाइट रूम में। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं एक बार और यहाँ से शेयर करते हैं और डाल देते हैं इसे लाइट रूम में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा हम ये आइस प्रोटेक्शन जो इसे बंद कर लेते हैं और ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए गाइस यहाँ पे चलते हैं, तो हमारा फोटो जो कि है लाइट रूम में चला गया है। ठीक है ना, यहाँ पे चलते हैं देखते हैं। और तो यहाँ पे हम खोल लेंगे अपना फोटो, यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा सारा पूरा फोटो खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना फोटो जो है हमारा खोल लेंगे। तो ये रहा मेरा गाइस ये फोटो। ठीक है, तो गाइस हमें एक प्रीसेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आप लोग को प्रीसेट दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी प्रीसेट को यूज़ कीजिएगा। ठीक है ना, तो गाइस मेरा कुछ इस तरह का प्रीसेट रहा। ठीक है, मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा प्रीसेट। ठीक है, तो गाइस हम क्या करें थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और डन कर लेंगे। ठीक है ना, फिर बैक करेंगे और बैक करने के बाद से गाइस हम क्या करेंगे चले जाएंगे अपने ओरिजिनल पिक पे जो मैंने शेयर किया था। तो ये रहा गाइस मेरा कुछ ओरिजिनल पिक कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इस पिक को हम क्या करेंगे यहाँ से हम इसे शेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके और हम पेस्ट करेंगे जो कॉपी किया था। ठीक है ना, पेस्ट सेटिंग। तो देखिए हमारा वन क्लिक में कितना अच्छा फोटो हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे आए थे यहाँ पे सॉरी कलर्स पे आ जाएंगे, मिक्स पे आ जाएंगे और इस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, इसे हम लोग इधर कर देंगे, इसे इधर कर लेंगे। ठीक है ना, और इसे भी हम इधर कर लेंगे। ठीक है, इतना फिर हम गाइस क्या करेंगे फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे। ठीक है ना, और शेयर करने के बाद से देखिए हम फोटो को ले जाएंगे पिक्सआर्ट में। ठीक है, तो गाइस आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि हमारा ये फोटो बहुत ही डेंजर और बहुत ही हार्ड हमारा बनने वाला है एकदम बिल्कुल फेस स्मूथ के साथ। ठीक है, तो हमारे ये काम होगा तो टूल्स पे चले जाएंगे, फिर इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको इतना बढ़ा लेंगे, इसे इतना बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, और अपने हेयर को थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे उठा लेंगे। ठीक है ना, कुछ इतना मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हम क्या करें अपने हेयर को उठा लेते हैं इतना और डन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये पहले कैसे मेरा हेयर था और अब कितना कैसे हो गया। फिर आएंगे टूल्स पे, यहाँ पे रीसाइज पे आ जाएंगे, रीसाइज पाने के बाद से हम इसे काट देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरह से 5000 कुछ इस तरह से लिख के और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 28-29 देखिए नीचे दे रहा है, तो हम 28-29 लिख देंगे तो रीसाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा इस हम फोटो को अब यहाँ से ड्रॉप पे जाकर और सेव करेंगे तो हमारा फोटो क्या होगा फटेगा नहीं। ठीक है ना, तो देखिए इतना काम हो गया। अब देखिए इतना काम होने के बाद फोटो को हम यहाँ से शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद इस फोटो को हम लेकर चले जाएंगे सीधे फोटो रूम में, सॉरी स्केच बुक में, ताकि हम स्केच बुक में जाने के बाद से यहाँ पर हम स्मूथ कर सकें वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारा पहले वाला जो भी फोटो है उस फोटो को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, चलिए हमारा फोटो हट गया। फिर आ जाएंगे यहाँ पे इस पे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ ब्रश में जाकर ब्रश को चेंज करके ये वाला हम लोग ब्रश ले लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस ये वाला ब्रश लेने के बाद हम लोग कुछ इस तरह जूम करेंगे, आप लोग बर्थ दिखाते हैं ये वाला ब्रश ले लीजिएगा, सेटिंग कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा हम इसे कुछ इतना जूम कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे स्मूथ कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए ये हो गया। अब देखिए कुछ इस साइड भी हम लोग हल्का हल्का जो है स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब थोड़ा सा साइज को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कुछ इतना बड़ा। ठीक है, और साइज को इतना बड़ा करने के बाद से हम लोग कुछ इस तरह से कर देते हैं और इस तरह से एकदम अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसे स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये हो गया हमारा, इसे भी हम लोग इधर से कर लेते हैं, इधर से भी कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है ना, और ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए इतना हो गया हमारा काम। तो चलिए हम नाक भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। चलिए नाक पे भी हल्का हल्का हम क्या करते हैं कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे भी साइड को सब। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा इस वाले, चलिए इस साइड कान पे भी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। अब देखिए गाइस इतना काम हो गया, इतना काम होने के बाद से साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और हमारे गर्दन पे जो है इसे हम लोग एकदम अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से हम लोग कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ये वाला पार्ट। अब देखिए थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बाद से ये हम कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हुआ, अब इतना काम होने के बाद से चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कर दिया हम लोग कितना अच्छा तरीके से, चलिए देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसे हम क्या करते हैं इसे यहाँ पर करते हैं इस तरह से छोट कर ले थोड़ा सा, और यहाँ पर छोट करने के बाद से यहाँ पर चलिए इसे हम लोग इस तरह से कर देते हैं। अब देखिए इतना काम होने के बाद से, ठीक है ना गाइस,
अब क्या करेंगे, आ जाएगा अपने हैंड पे, ठीक है ना। हैंड को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ कर ही देंगे, मतलब अच्छे तरीके से कर लेंगे हैंड को भी। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, हल्का हल्का कर लेंगे स्मूथ हैंड पे भी, ठीक है, ताकि हमें स्मूथ कर थोड़ा सा लाइटिंग देने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा काम। इतना काम होने के बाद इस पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। अब डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद से यहाँ पे थ्री डॉट इस पर चलेंगे, सॉरी लाइब्रेरी में, मतलब बर्स पे चलेंगे लाइब्रेरी में, और यहाँ पे जाने के बाद से ये वाला हम लोग बर्स ले लेंगे और कलर कुछ हिस्से से नीचे क्लिक करके आप लोग कलर कुछ हिस्से से बना लीजिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद से अपने लिप्स पे एकदम अच्छे तरीके से इस तरह से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए लगाने के बाद से कितना थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपेसिटी कम बेस करेंगे, तो हम ओपेसिटी कुछ इतना करके, सॉरी इतना करके हम लोग रख लेते हैं, ठीक है ना, और डन कर लेते हैं, ठीक है। अब फोटो को हम यहाँ से, इस फोटो को करते हैं यहाँ से शेयर, ठीक है, तो यहाँ से चलिए शेयर करते हैं, फिर से अदर पे चले जाते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे और शेयर करने बाद इस फोटो को हम ले जाएंगे सीधे यहाँ से फोटो रूम में, ठीक है। तो चलिए फोटो रूम में चलते हैं और देखिएगा, इस फोटो रूम में जाने के बाद से हम एकदम अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को कर लेंगे इरेज, ठीक है। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से बैकग्राउंड अभी हो रहा है इरेज, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड हमारा किस तरह अच्छे तरीके से इरेज हो गया। तो गाइस आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये हो गया इरेज, ठीक है ना। अब इस फोटो को हम यहाँ से शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद से यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है ना, और डन कर देंगे। जो चलते हैं गैलरी में और देखते हैं हमारा फोटो सेव हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कुछ इस प्रकार से हमारा फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इस हम क्या करेंगे, ये रहा मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये बैकग्राउंड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये बैकग्राउंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद इसको हम डाल देंगे कहाँ पे, सीधे पिक्सआर्ट में, ठीक है ना। अब देखिए पिक्सआर्ट में जाने के बाद से हमने जो अपने बॉडी का पीएनजी बनाया था उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे। जो कुछ इस तरह से हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पर चलिए देखिए कुछ इस तरह से हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं और इस तरह से हम कुछ इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कितना अच्छा तरीके से हम कुछ इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इरेज वाले पा लेते हैं और इरेज वाले हम थोड़ा सी से बढ़ा लेते हैं और एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए देखिए एकदम अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पर यहाँ पाए तो थोड़ा सा अदर पार्ट हमारा थोड़ा सा हो गया, तो हम लोग इसे कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए इतना काम हो गया। अभी देखिए कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है कि हाँ लग रहा है मुझे ही पकड़ा है सब, ठीक है ना। और यहाँ से डन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए डन करते हैं। अब देखिए इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद से अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फोटो के यहाँ से कर लेंगे ड्रॉ पे जाकर सेव, ठीक है ना। तो चलिए फोटो के यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब देखिए सेव करने के बाद से फोटो के यहाँ से हम शेयर करेंगे और शेयर करने वाले सीधे स्नैपचैट में। अब देखिए स्नैपचैट में हम इसलिए आएंगे कि थोड़ा हम कलर को थोड़ा सा मैचिंग कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे इतना कर देते हैं, इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। फिर एक बार हम गर्दन पर रखेंगे और गर्दन पर रखने से ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे कुछ इतना, ठीक है। इसे इतना कम कर देंगे और इसे इतना कम कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपने हैंड पर रख लेंगे और हैंड पर रखने के बाद भी हम वही काम करेंगे, सेम ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, इसे कम कर लेंगे, ठीक है ना। और इसे कुछ इतना कर देंगे, ब्राइटनेस थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर इस वाले हैंड पर भी रखने के बाद से हम लोग सेम वही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है ना। ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे कुछ इतना, ठीक है। टेक्चर को इतना कम कर लेंगे, सिलिकॉन यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले कैसा था हमारा लाइफ स्प्राइट और कैसा हो, कितना अच्छा, ठीक है। फिर एक बार क्लिक करेंगे और अपने बॉडी पर रखें, ठीक है ना। और अपने बॉडी का जो शर्ट का कलर उसे डाउन कर देंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। इतना काम होने से पोर्ट्रेट पर आएंगे, पोर्ट्रेट पर जाने के बाद से फेस को कम करेंगे और यहाँ से स्किन को कम करेंगे और आइस को क्या करेंगे बढ़ा लेंगे और डन कर देंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे डिटेल्स पे, ठीक है। डिटेल्स पे शार्पनिंग को क्या करेंगे यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे टेक्सचर को थोड़ा सा कम कर लेंगे किसी तरह, ठीक है। और यहाँ से डन कर देंगे। अब देखिए इतना होने के बाद से फोटो को हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे और ले जाएंगे फिर पिक्सआर्ट में, ठीक है ना। तो अब देखिए पिक्सआर्ट में चले हैं। अब देखिए पिक्सआर्ट में एक बार स्टिकर पा जाएंगे, ठीक है ना। और स्टिकर पाने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे वाटर, WATER, ठीक है। वाटर लिखकर आप लोग सर्च कर दीजिएगा। अब देखिए वाटर का यहाँ पे बहुत सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ ये वाला ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला ही लेंगे, कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे और इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट पा जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एडजस्ट पाने के बाद हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग इसी कलर में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर इससे कम कर लेंगे आप लोग एकदम, सॉरी यहाँ पर इसी में इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे तो उस वाले कलर में चला जाएगा हमारा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में। और यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से लाइट वाइट मार देंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा पूरा एकदम अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से हम कुछ कर देंगे तो देखिए कितना अच्छे तरीके से होगा और डन कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से चलिए डन कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ से सेव कर लेते हैं फोटो, तो ये कितना अच्छे तरीके से हमारा दिख रहा है फोटो, ठीक है ना। तो इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद हम यहाँ से फोटो को कर लेंगे यहाँ से ड्रॉप पर जाकर सेव, ठीक है। अब देखिए सेव करने के बाद से हम फोटो को क्या करेंगे यहाँ से शेयर करेंगे, ठीक है ना। और शेयर करने बस सीधे ले जाएंगे लाइट रूम में, ताकि हम थोड़ा सा फोटो क्वालिटी कर दें और थोड़ा लाइटिंग वोटिंग बढ़ा दें, ठीक है। तो हम सीधे चले जाते हैं लाइट रूम में, ठीक है। अब देखिए लाइट रूम में जाने के बाद से यहाँ पर चलिए फोटो आ गया लाइट रूम हमारा। तो देखिए अब क्या करें, यहाँ पे ये पहले वाला फोटो बैक कर लेते हैं और हम अपना जो भी फोटो शेयर किए थे उसको ला लेते हैं, ठीक है।
यहाँ देखिए आ गया, लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ब्लैक को थोड़ा सा इतना कम कर देंगे, फिर कलर पाएंगे, मिक्स पे जाएंगे, इस पर जाएंगे, ठीक है ना। और इससे जैसे चाहे वैसे हम लोग अपने हिसाब से इधर से कुछ रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस पर आ जाएंगे, ठीक है, इसे कम कर लेंगे, इसे कम कर, इसे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो इसे कम कर लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया और डन कर देंगे। अब देखिए आएंगे इफेक्ट पे, क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, टेक्चर को कम कर देंगे, फिर यहाँ पे डिटेल्स पे शार्पिंग इतना बढ़ा लेंगे और बस, और यहाँ से फोटो को फिर हम करेंगे यहाँ से शेयर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से फोटो को हम शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद से सीधे हम लोग रेमनी में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए रेमनी हम चलते हैं अब, तो रेमनी पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए रेमनी पे जाने के बाद से ठीक है, हम लोग एकदम अच्छे तरीके से रेमनी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आ गया, तो हम लोग इसे यहाँ पे कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा एड वोड आएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग भी ऐसा फोटो बनाइए, और आप लोग ऐसा फोटो बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का आईडी दिया, वहाँ जाए फॉलो कर ले, ठीक है। और फॉलो करने के बाद स्टोरी में जरूर हमें मेंशन करें, आप लोग इंस्टा पोस्ट करते हैं तो मैं टैग कर देते हैं। तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पे हो चुका है, हम लोग इसे इरेज कर देते हैं, फोटो के यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐड आएगा तो फिर समझ कर तो गाइस हमारा फोटो यहाँ पे सेव हो गया है। तो चलते हैं गैलरी में और देखते हैं हमारा फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेव हो गया कि नहीं। तो देखिए कितना HD क्वालिटी में और कितना अच्छा तरीके से हमारा फोटो यहाँ पे बनाया। तो गाइस आप लोग भी ऐसा फोटो जल्द बनाइए, ठीक है। और कमेंट आप लोग करके हमें बताएं कि फोटो एडिटिंग आप लोगों को मेरा कैसा लगा। आप लोग नहीं बताते हैं, ठीक है, ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरा फोटो एडिटिंग कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।